सपा सांसद डिंपल यादव पर हुई टिप्पणी के खिलाफ शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी ने जमकर हंगामा किया। सपा कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम करके नारेबाजी की है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्नातक एमएलसी में युवाओं से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की। समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष तनवीर खान और पूर्व विधायक राजेश यादव के समर्थन में दर्जनों सपा कार्यकर्ता खैरनीबाग चौराहे पर पहुंचे और रोड जाम कर दिया। वहीं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। समाजवादी पार्टी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही थी। देखिए, खास मुद्दे तो मुद्दा एक ये भी है कि हमारे लोकप्रिय सांसद जो अभी हाल ही में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को करारी हार दी है, और मैनपुरी की सांसद जो हमारी माननीय डिंपल यादव जी हैं, उनके लिए जो अभद्र टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने की थी, महिला प्रवक्ता ने, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, हमारा प्रमुख मुद्दा ये भी है। और उसके साथ साथ हमारे किसान भाइयों से जुड़ी ई रिक्शा चालकों से संबंधी समस्याएं हैं, आम जन से समस्याएं हैं जो इस वक्त हाल ही में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों को जो झेलना पड़ रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो किसान भाई हमारे फसल पूरी मेहनत से तैयार करते हैं, छुट्टा जानवर उनको खा जाते हैं, और रखवाली करते करते इस भीषण ठंड में हमारे किसान भाइयों की जानें चली गई। जनपद शाहजहांपुर में कई किसानों की जान चली गई। तो इसके साथ साथ किसान भाइयों के साथ साथ आम जन भी जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, सड़कों पर जानवर आ जाते हैं, आवारा पशु आ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, जाने चली जाती हैं, आवारा पशुओं को गौशाला में या कहीं भी उनका इस्तेमाल जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे, ये मांग है। और उसके साथ साथ हमारे किसान भाइयों को समय से खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है, ई रिक्शा चालकों का बेवजह उत्पीड़न किया जा रहा है, कहीं रूट डायवर्जन के नाम पर तो कहीं उनका लाइसेंस के नाम पर तो कहीं उनका जो रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसके नाम पर पंजीकरण नहीं है, तो इसके नाम पर हमारे ई रिक्शा चालक जो बेचारे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं रिक्शा चलाकर, और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रोज़गार तो है नहीं, 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा किया था, कहीं रोज़गार नहीं है, हमारे नौजवान भटक रहे हैं। तो ई रिक्शा चलाकर हमारे तमाम ऐसे रिक्शा चालक हैं जो बेचारे पढ़े लिखे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, अपने परिवार का पालन, वो भी प्रशासन और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चलाने दे रही है, नहीं, और उनके जब्त कर लिए, रिक्शे जब्त किए सैकड़ों, जिनका पालन पोषण जो करते थे रिक्शा के माध्यम से, वो भुखमरी की कगार पर उनका पूरा परिवार चला गया है हमारे ई रिक्शा चालकों का। तो ऐसे में मांग की है कि उनके जो भी, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews/